वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज थर्ड डे है हमारा वृंदावन मथुरा में, एंड अभी वैसे ही लेट हो गया, 10:30 हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं गोकुल रमन रेती। अभी यहाँ से 34 मिनट का रास्ता। तो आई होप आपको लास्ट की दो वीडियो पसंद आई होंगी। रमन रेती जहाँ कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया है, हम वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, होली के टाइम पे सब कलर से खेलते हैं, यहाँ रेत की होली खेली जाती है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसी जगह है, क्या है। तो हम जा रहे थे रमन रेती, लेकिन बीच में पड़ा है अभी गोकुल मंदिर। तो हम सोच रहे हैं पहले गोकुल मंदिर चलते हैं, आज इसमें घूंघट रखा है। तो पहले हम लोग करते हैं गोकुल मंदिर में दर्शन, उसके बाद चलेंगे हम रमन रेती। नंद महल नंद महल श्री कृष्ण श्री नंद महल कृष्ण बलराम मंदिर। जय श्री कृष्ण। बस बस कितना पते लोगे, कृष्ण कृष्ण ही कर दोगे ये सब। बस बस मसल वो अच्छा है, कृष्ण वाला है। तो आज लगा है हमें कृष्णा 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 कृष्णा, और जीजू को ज्यादा ही सजा दिया उन्होंने। अब हम जा रहे हैं कहाँ? दाऊ जन्म स्थान। अब हम जा रहे हैं दाऊ के जन्म स्थान पर, जहाँ बलराम जी ने जन्म लिया था। हाँ, बलराम जी का जन्म हुआ था। चलते हैं। तो हम घूम रहे हैं अभी गोकुल की गलियों में, नंदगांव, उनकी कुल देवी, और ये है दाऊ जी का जहाँ जन्म हुआ था। Thank you.
माता रानी, पांचों बच्चों। हम गली गलियों में घूम रहे और हर गली में एक एक मंदिर है। तो हम दो तीन मंदिर होके आ चुके हैं। ये है वो जगह जहाँ माया योग माया का जन्म हुआ था। जमुना घाट पे यहाँ इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, गोकुल की गलियाँ हैं जहाँ कान्हा ने अपना बचपन बिताया है। तो देख रहे हैं और सारी गलियों में ना ऐसे आर्टवर्क है, हर जगह से बनाए हुए हैं और हर एक गली में, हर एक दूसरा घर मंदिर में बदल रखा है। तो दर्शन कर रहे हैं हर जगह, क्योंकि अब भ्रमण रहती तो 4 बजे खुलेगा, बंद हो जाएगा 12 बजे, तो इतने हम बाकी जगह दर्शन कर लेते हैं। अभी यमुना घाट पे, घाट पता नहीं कौन सा है, बस यमुना घाट है, यमुना नदी है। बोटिंग हमने कल रात को ही कर ली थी, बट यहाँ पे फोटोज अच्छी आ रही है। अगर आप गोकुल आ रहे हो तो इन गलियों को घूमना बिल्कुल मिस ना करें। तो हम लोगों ने यहाँ पे किया थोड़ा भोजन लस्सी के साथ, ये पता नहीं क्या है। अभी भी हम घूम रहे हैं कृष्ण गली में, जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया, जहाँ उन्होंने अपना पहला खेल खेला। हाँ सही है, क्यों कैसे बने हमने ये लिया कान्हा। लोग घर वापस आ गए हैं, मतलब अपने रूम में वापस आ गए, और रमन रेती की वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, चलते हैं, शाम को फिर हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है हमें? जाना है किसी की शादी में, तो फिर चलते हैं पहले लंच करने के लिए। बाय बाय। इस टाइम पे इतनी धूप हो जा रही है ना, कि बहुत ज़्यादा धूप हो जा रही है, तो घूमने का भी मन नहीं कर रहा है, बट लंच करने के लिए हम लोग निकले हैं। फिर हम रेस्ट करेंगे, फिर शाम को हम जाएंगे कहाँ? शादी में। यार इतने अनएक्साइटेड लोग नहीं देखे मैंने अपने जीवन में। हो गई रेडी? बटर रोटी इसमें नान है, यही तो पूछा, वही तो है। अरे मैं मीठा खाती नहीं हूँ, तू खा ले। अरे कल तो खाओ ना यार, क्या कर रहे हो? मैं नहीं खाती यार, तुम रहने दो। कल जब कल का अच्छा होता था, तुमने कैसे खाया था? नहीं खा लिया यार, मैं नहीं खाती। जीजू देखो आप खाओ। अब सबके पीसेस हो गए, मेरे पीस फ्रॉड से खाओ। हम लोग
लोग एक ही प्लेट में इतना फुल हो गए हैं कि अभी मीठा किसी से खाया नहीं जा रहा। मैं मीठा नहीं खाती यार, मैं नहीं खा रही जी। ओह, बज रहे अभी 6:30 और हम लोग अभी उठे हैं। मैं मम्मी कह रही तुम लोग यहाँ सोने के लिए जा रहे हो, क्योंकि हम जब देखो धूप की वजह से आके सो जा रहे हैं। तो अभी हम सो के उठे हैं और अब हम लोग शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इसकी फ्रेंड की शादी है तो हम लोग उसमें जा रहे हैं। तो हम हो रहे हैं तैयार, ये भूत से थोड़ा अच्छा सा बनेंगे। हम रेडी हो गए हैं शादी में जाने के लिए। इसको भी मैंने रेडी कर दिया है। दीदी इसको मत डालना, ये जो गाड़ी निकाल रहे हैं इतने दीदी ही ही मोटी मुझे खुद के लिए खुद ही गेट खोलना पड़ता है। हम पहुंच गए हैं होटल ग्रैंड, लोटस ग्रैंड में। तो हमें जाना अंदर, अभी हम पार्किंग लॉट में हैं। हम पहुंच गए हैं, अब हम कर रहे हैं एंट्री शादी में। दिखा दीदी कहाँ गई, इन्हीं मैडम की बहन की शादी, दोस्त की शादी है, बहन तो साथ में जा रही है। बज रहे हैं 1:30 और आज मैंने फर्स्ट टाइम मथुरा में किसी की शादी अटेंड की है। मेरे लिए ना हर चीज़ फर्स्ट टाइम ही होती जा रही है। तो अभी तक एंट्री नहीं हुई और हम लोग वेट करते करते थक गए, तो हम लोगों ने सोचा अब चलते हैं क्योंकि नींद आ रही है और कल सुबह निकलना है। पहले ताजमहल का प्लान बना रहे थे कल, लेकिन अब ऑफिस ही जाना है तो निकलते हैं, क्योंकि ऑफिस भी जाना है मॉर्निंग में, जल्दी निकल के यहाँ से निकलते हैं। आई होप आज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे तो आज का दिन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सुबह हम ज़रूर थक गए थे, घर आके सो गए, लेकिन मथुरा की शादी अटेंड की तो मज़ा आ गया, मतलब बहुत बढ़िया। शादी अटेंड की है लेकिन यहाँ जो जागरण था, झांकियाँ थी, वो बोर नहीं होने दिया हमें किसी भी चीज़ ने। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड आई होप आपको मेरी तीनों वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी अगर मैं कोई और ट्रिप पे जाती हूँ, मेरी मेमोरीज मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। एक्सक्यूज मी मिस्टर, चलो